नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल आंसर में। और आज दोस्तों मैं कक्षा 12वीं का विषय समाजशास्त्र का पेपर का फुल सोल्यूशन करके लाया हूं, जो कि आपका आज त्रिमार्षिक परीक्षा में होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक एक, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस सन में घोषित की गई? तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 समाजशास्त्र 2021। तो आप सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सन 1976 में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करते जाइए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2। किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DNA जमूनदार। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके लाइए। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न अंकित में से सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नहीं आएगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किसान आंदोलन। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र का पेपर का पूरा सोल्यूशन है। प्रश्न क्रमांक 4, आधुनिकीकरण का सामाजिक प्रभाव है? जी हाँ, तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 4, समाजशास्त्र का पेपर है दोस्तों, पक्का रियल पेपर है आपका, यही आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ये तीनों ABC ये सही हैं। प्रश्न क्रमांक 5, संस्कृत तरण की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है MN श्रीनिवास ने। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करते जाइए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6, हरित क्रांति के कारण किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? तो जी हाँ, ये आपका क्वेश्चन है, हरित क्रांति के कारण किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूँ। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट करते जाइए। कक्षा 12वीं समाजशास्त्र पेपर का पूरा सोल्यूशन है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 6 अंकों के आपके ये प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1, भारत में जनसंख्या वितरण में खाली स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषमता। प्रश्न क्रमांक 2, संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वोच्च स्थान खाली स्थान का होता है? तो ये है आपका उत्तर, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, करता कर लिया दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3, शोधकर्ता का पहला कार्य है समस्या का चुनाव? जी हाँ दोस्तों, शोधकर्ता का सबसे पहला कार्य है चुनाव। नगरीकरण ने शिक्षा का खाली स्थान किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रसार। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में जमींदार उन्मूल अधिनियम वर्ष 2021 खालिस्तान 1951 में पारित किया गया? तो आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 6, नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला का नाम खालिस्तान है? तो इसका सही आंसर है मेधा पाटकर। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करते जाइए दोस्तों। कर लिया आपने स्क्रीनशॉट। कक्षा 12वीं समाजशास्त्र पेपर फुल सोल्यूशन त्रिमार्षिक परीक्षा 2021। तो प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। तो इसका पहला है शिक्षा संस्कृति के हस्ताक्षर में सहायक होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सत्य। तो आपको सत्य असत्य में इसके आंसर देने हैं। अब चलते हैं 2, जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल नहीं होते? तो इसका सही आंसर है असत्य। प्रश्न क्रमांक 3, अब चलते हैं, सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो सही आंसर इसका सत्य। 4, सामाजिकरण प्रक्रिया काफ़ी लंबी एवं विस्तृत होती है? तो इसका सही आंसर है सत्य। तो अब चलते हैं, जमींदार व्यवस्था किसान की भूमि मालिक? तो सत्य लास्ट का है इसका, असत्य। जी हाँ दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट करते जाइए। आप क्लास 12th समाजशास्त्र पेपर फुल सोल्यूशन है त्रिमार्षिक परीक्षा 2021 का, जैसा कि मैं आपको बता दूं। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये हैं इसके आंसर सत्य सत्य के कुछ इस प्रकार हैं, तो आप देख लीजिए। और अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें दोस्तों आपको सही जोड़ी मिलाना है, तो ये कुछ आपको इसमें पहले की सही जोड़ी है ग्रामीण समुदाय का जजमानी व्यवस्था,
दूसरे की है मुस्लिम विवाह की एक समझौता। आर्य प्रजाति की सही जोड़ी है उत्तर भारत, और सोशल चेंज मॉडर्न की मॉडर्न इंडिया की है एम एन श्रीनिवास, और थ्योरी सिफिल सोसाइटी की है इसमें सही जोड़ी श्रीमती एनी वेसेंट, और वैश्वीकरण की इसकी सही जोड़ी है सार्वभौमिक। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और ये नीचे दिए गए हैं आपको सही जोड़े की मिलान, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट करते जाइए। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको इसमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये आपके 6 नंबर के प्रश्न हैं, एक शब्द या एक वाक्य में इसके उत्तर लिखने हैं दोस्तों। तो एक उपनिषदों के शत्रु का क्या नाम है, जी हाँ, तो इसका सही उत्तर दूसरे का है जनसंख्या विज्ञान को क्या कहते हैं, और इसका तीसरा है जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम कौन है, तो ये देखिए, और ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को, और ये पांचवा राष्ट्रीय एकता में सर्वोग्र बाधक तत्व है भाषावाद एवं क्षेत्रवाद, और इसका लास्ट है आधुनिकीकरण का संबंध भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन से है अथवा संरचनात्मक परिवर्तन है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और बाकी के आगे के जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का